हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। आज हम लोग क्लास 9 के बायोलॉजी में एक इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। इस चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ओके, मीन्स सेल। तो आज का चैप्टर हम लोगों का है क्लास 9 में द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, मीन्स सेल। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग जो है ये देखते हैं कि सेल क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट। सेल जो वर्ड है ये कहाँ से आया हुआ है, कैसे जो है ये वर्ड जो है डिराइव्ड हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द वर्ड सेल डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सेलुला। सो स्टूडेंट, जो वर्ड आपका है, ठीक है, सेल, ये वर्ड जो सेल है वो किस वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, ये लैटिन वर्ड से डिराइव्ड हुआ है। और इस लैटिन वर्ड का क्या मतलब होता है, इस सेलुलर का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है अ लिटिल रूम, ठीक है। सो इस तरह से हमारे सेल का, हमारे एक सेल का क्या मतलब हुआ, अ लिटिल रूम, ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। सो डिस्कवरी, ओके, सो हम लोग ये जानते हैं हु फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड द सेल, ओके। सो स्टूडेंट्स, रॉबर्ट हुक, ओके, इन 1665, ठीक है। सो रॉबर्ट हुक इन 1665 फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड द सेल, ओके। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोग को मालूम चाहिए, होना चाहिए कि उन्होंने सेल को तो डिस्कवर्ड किया, बट ये सेल क्या थी, ये डेड सेल थी, ठीक है। उन्होंने जो है डेड सेल को डिस्कवर किया था, ठीक है स्टूडेंट्स। और देन आपका जो है इन 1674 एंटोनी वॉन लेवेनहॉक, ओके, सो ही डिस्कवर्ड लिविंग सेल इन 1674, ही डिस्कवर्ड लिविंग सेल्स, ओके। सो एक्चुअली ही डिस्कवर्ड द स्पर्म, ओके, देन ही डिस्कवर्ड द लिविंग सेल, ओके। सो स्टूडेंट्स अब हम लोग जो है देखते हैं कि जो रॉबर्ट हुक है, जो सबसे पहले, हालांकि डेड सेल को डिस्कवर किया था, बट जो है इन्होंने सबसे पहले, फर्स्ट टाइम जो है इन्होंने जो है सेल को जो है डिस्कवर्ड किया था। तो ठीक है, कैसे किया था, थोड़ा सा हिस्ट्री जानते हैं हम लोग स्टूडेंट, हम लोग को जानना चाहिए, ठीक है। सो स्टूडेंट, ही टुक अ कॉर्क ऑफ ट्री, ठीक है, उन्होंने क्या लिया, कॉर्क, ठीक है, ट्री का जो है एक कॉर्क लिया, समझ रहे हैं। कॉर्क मीन्स जो होता है छाल होता है, ठीक है, तो पेड़ की जो है छाल को लिया। देन उसका क्या किया, देन उसको जो है एक महीन स्लाइस में काटा, ठीक है, उसको बहुत ही पतला से पतला स्लाइस में काटा, और उस स्लाइस को क्या किया, उसने जो है स्लाइड पे रखा, ठीक है। फिर रॉबर्ट हुक ने उसको क्या किया, स्लाइड पे रखा। और जब उसको स्लाइड पे उन्होंने रखा स्टूडेंट, देन फिर उसको क्या किया कि खुद से बनाए हुए माइक्रोस्कोप, ठीक है, देन उन्होंने खुद से बनाए हुए माइक्रोस्कोप के अंदर जो है स्टडी किया, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर को देखा। तो स्टूडेंट्स उनको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई दिया, दिस इज द स्ट्रक्चर। तो इस तरह से रॉबर्ट हुक ने जो है इस तरह का स्ट्रक्चर जो है स्लाइड के ऊपर जो है देखा, ठीक है, माइक्रोस्कोप की मदद से। सो स्टूडेंट्स, इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, किस तरह का स्ट्रक्चर, इस तरह का स्ट्रक्चर जो होता है वो हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, ठीक है, उस तरह से जो है ये स्ट्रक्चर जो है दिखाई दिया। देन स्टूडेंट्स उन्होंने जो है इसका, ठीक है, नाम बताया कि ये क्या है, सेल्स है, मीन सेलुला, ये क्या हो गई, ये सेल्स। इस तरह से जो है रॉबर्ट हुक ने जो है डिस्कवरी कर दिया, ठीक है, सेल का। अब स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं सेल नंबर ऑफ सेल्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, सो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव बीन कैटेगराइज इन टू टू कैटेगरीज। हाउ मेनी कैटेगरीज, टू कैटेगरीज, ओके। सो फर्स्ट वन इज यूनिसेलुलर लिविंग्स एंड देन सेकेंड वन इज मल्टी सेलुलर लिविंग, ओके। सो स्टूडेंट्स, दोज लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंसिस्ट ऑफ वन सेल, ओनली वन सेल, देन दे आर कॉल्ड सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, ओके, देन दे आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ओके। जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स केवल एक सेल से बना होता है, सिंगल सेल से बना होता है, देन वो क्या होता है आपका, यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ओके। सो अभी हम लोग एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, बैक्टीरिया, ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं अमीबा,
ठीक है, पैरामीशियम, और हम लोग फंगस का भी नाम ले लेते हैं, ये मोस्ट पॉपुलर है ईस्ट। ओके, तो इस तरह से ये सारे के सारे क्या होते हैं, जनरली आपके यूनिसेलुलर होते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं मल्टी सेलुलर। सो हाउ कैन वी डिफाइन, सो व्हाट आर द मल्टी सेलुलर लिविंग्स, सो दोज लिविंग्स ओके कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन सेल्स। ओके, जब आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो एक से अधिक सेल से बने होते हैं, ठीक है, ढेर सारे सेल से बने होते हैं। ये नंबर ऑफ सेल्स जो होते हैं वो थाउजेंड्स भी हो सकते हैं, ठीक है, ये उससे अधिक भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये आपके क्या कहलाते हैं, मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लाइक एग्जाम्पल्स प्लांट्स एंड एनिमल्स, या इन एनिमल्स या इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स ऑल्सो। तो इस तरह से ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सभी के सभी क्या होते हैं स्टूडेंट, ये सभी के सभी जो होते हैं ये लिविंग्स, ठीक है, मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। अब हम लोग स्टूडेंट्स देखते हैं सेल थियरी, ठीक है, किसके बारे में हम लोग देखेंगे, सेल थियरी के बारे में देखेंगे, ठीक है। सो ये सेल थियरी क्या है, सो स्टूडेंट सम इम्पोर्टेंट कंटेंट्स, ओके, सम इम्पोर्टेंट कंटेंट्स अबाउट द सेल, सेल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो थिंग्स हैं, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट थिंग्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सेल थियरी कहलाते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स हम लोग जो है क्वेश्चन पे आते हैं, सो हु फर्स्ट ऑफ ऑल प्रपोज द सेल थियरी, हु गिव द सेल थियरी, ओके। सो स्टूडेंट यहाँ पे जो है दो लोगों का नाम आता है, तो यहाँ पे आपका जो है स्लाइडन, जो कि आपका क्या है जर्मन बॉटनिस्ट, एंड स्वान, दिस वाज जर्मन जूलॉजिस्ट, ठीक है, ये जर्मनी का जो है बॉटनिस्ट था, ये आपका जो है जर्मनी का क्या था, जूलॉजिस्ट था, ठीक है। सो स्लाइडन इन 1838, स्वान इन 1839, समझ रहे हैं, ये दोनों बायोलॉजिस्ट ने मिल करके जो है क्या दिया, सेल थियरी, ठीक है, सेल के बारे में इंपॉर्टेंट थिंग्स बनाया, ठीक है। सो क्या दिया वो इम्पोर्टेंट सेल थियरी क्या है, ठीक है, सो हम लोग पढ़ते हैं। तो फर्स्ट सेल थियरी इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ द स्मॉलेस्ट यूनिट्स इक्वल टू सेल्स एक्सेप्ट वायरस। सो स्टूडेंट्स जो है जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, द थिंग्स इफ दे आर लिविंग डेफिनेटली दे आर कंसिस्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट यूनिट्स एंड दीज यूनिट्स आर कॉल्ड सेल्स, ओके, बट एक्सेप्ट वायरसेस। वायरसेस क्या होते हैं, क्या होते हैं वायरसेस जो होते हैं, इस सेल थियरी का जो है क्या है, वो एक्सेप्शन है, वो अपवाद है, ठीक है, वो लिविंग्स भी होते हैं, नॉन लिविंग्स भी होते हैं, ठीक है। वायरसेस कैन बी कॉल्ड अ लिंक बिटवीन लिविंग्स एंड नॉन लिविंग्स, ठीक है, जब वो नॉन लिविंग एबायोटिक कंपोनेंट में होते हैं देन वो नॉन लिविंग होते हैं, बट जब वो बायोटिक कंपोनेंट किसी लिविंग्स के कॉन्टेक्ट में आते हैं देन वो क्या हो जाते हैं, लिविंग हो जाते हैं। देन जब वो लिविंग हो जाते हैं तब भी जो है वो सेल से नहीं बने होते हैं, वो नॉन सेलुलर होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, वो नॉन सेलुलर होते हैं। तो इस तरह से जो है ये सेल थियरी के जो है वायरसेस क्या हो गए आपके, एक्सेप्शन हो गए, ठीक है। जब भी आप बोलोगे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ द सेल्स, डेफिनेटली दे आर कंसिस्ट ऑफ द सेल्स एक्सेप्ट वायरसेस। देन हम लोग आते हैं सेकंड सेल थियरी, ऑल सेल्स आर बेसिक फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ लिविंग्स बॉडी, ठीक है। ऑल सेल्स आर द बेसिक फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ लिविंग्स बॉडी, मतलब कि क्या हुआ कि जो भी सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, लिविंग्स के बॉडी, समझ रहे हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी के क्या होते हैं, फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल यूनिट्स होते हैं। मींस जो है ये क्या होते हैं, फंक्शनल यूनिट्स होते हैं, ये स्ट्रक्चरल यूनिट्स होते हैं लिविंग्स के बॉडी के, ठीक है। मींस जो लिविंग्स जो वर्क करते हैं वो किस पे डिपेंड होता है, वो सेल्स के ऊपर डिपेंड होता है। जो लिविंग्स का जो है स्ट्रक्चर होता है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, वो सेल्स के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट थियरी देखते हैं, ऑल न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम देयर प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। ऑल न्यू सेल्स आर अराइजन फ्रॉम देयर प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, नई सेल्स कैसे बनती हैं, नई सेल्स कैसे जन्म लेती हैं, सो दे अराइज फ्रॉम देयर प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से जो है
अरेज होती हैं, वो अपने जो है प्री एग्जिस्टिंग सेल्स का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, इसका मतलब हो गया आपका जो है पेरेंट सेल्स। ओके, क्या मतलब हुआ इसका, पेरेंट सेल्स। सो जाहिर सी बात है कि जो भी जिससे जन्म लेगा वो उसका पेरेंट्स होता है, ठीक है। सो इस तरह से नई सेल्स अगर जो है जन्म लेती हैं, ठीक है, अगर ये अराइज होती हैं तो जिससे अराइज होंगे वो उनका पेरेंट्स होगा। बट यहाँ पे इस पेरेंट सेल्स को आप लोग क्या बुलाओगे, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्रैकेट में लिखा हुआ है आर, ठीक है, वीरको इन 1855। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक थोड़ा सा झोल है, ठीक है। एक्चुअली में सेल थियरी का एक ड्रॉबैक था, वो ड्रॉबैक था कि स्लाइड एंड सोहन से पूछा गया सो न्यू सेल्स कैसे बनती हैं, नई सेल्स कैसे अराइज होती हैं। तो देन वहाँ पे जो है स्लाइड एंड और सोहन जो है वो खामोश रहे, ठीक है। सो बाद में जो है आपके जो है सो 1855 में, ठीक है स्टूडेंट, नई सेल्स कैसे बनती हैं, देन अर्लियर ये सेल थियरी में नहीं था और यही क्या था, सेल थियरी का ड्रॉबैक था, ठीक है। सो इस ड्रॉबैक की जो है भरपाई फिलअप जो है किसने किया, वेरको ने किया 1855 में। उन्होंने बता दिया कि जो नई सेल्स होती हैं वो किससे बनती हैं, वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती हैं, वो अपने जो है पेरेंट सेल से बनती हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब हम लोग जो है आते हैं सेल्स के शेप के बारे में जानते हैं, ठीक है, सेल्स का जो है शेप कैसा होता है। सो स्टूडेंट्स हम लोग जो है सेल्स के शेप के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो आप लोग देख ले सकते हैं कि यहाँ पे जो है सेल्स का जो है शेप लिखा हुआ है एलोंगेटेड, स्फेरिकल, स्पिंडल शेप्ड, ओवल और पॉलीहेड्रल। मीन्स सेल की जो शेप जो होते हैं वो क्या होती है, उनमें बहुत ज़्यादा वेराइटीज होती है। सेल्स जो होते हैं वो एलोंगेटेड भी हो सकते हैं, ठीक है, वो लंबे लंबे भी हो सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे ये नर्व सेल्स हैं, देखिए ये एलोंगेटेड सेल का जो है एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट स्फेरिकल सेल्स होते हैं, स्फेरिकल सेल्स में जो है आप कॉमनली समझ सकते हो जो एग्स वगैरह होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, स्फेरिकल सेल होते हैं। जैसे ऑस्टिच का एग है, स्फेरिकल सेल है, ह्यूमन बींग्स में फीमेल्स का एग है, ठीक है, ये क्या है आपका स्फेरिकल सेल है। इस तरह से ये ओवल भी होते हैं, पॉलीहेड्रल, पॉलीहेड्रल मीन्स क्या हो गया स्टूडेंट, मीन्स सेल का जो साइड्स होता है वो 12 और मोर देन 12 जो होते हैं उनके साइड्स होते हैं उनके, ठीक है, इस तरह से जो है वो पॉलीहेड्रल भी हो गए। इस तरह से हम लोग जो है कुछ सेल्स के बारे में जानते हैं। कुछ सेल्स जो है स्टूडेंट जैसे कि डब्ल्यूबीसी होती है, ठीक है, हम लोग के ब्लड में डब्ल्यूबीसी होती है, उसका शेप जो है स्टूडेंट अमीबॉयड होता है। देखिए जैसे अमीबा होता है उस तरह से जो है इसका शेप होता है, ठीक है स्टूडेंट। इस तरह से जो है हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं और फिर हम लोग देखते हैं कि साइज क्या होता है, ठीक है, सेल का साइज क्या होता है। सो स्टूडेंट यहाँ पे लिखा हुआ है द स्मॉलेस्ट सेल्स की साइज लिखा हुआ है, वेरी स्मॉल सेल्स का साइज लिखा हुआ है, वो इसके बीच में है 0.225 माइक्रोन, ठीक है। जो स्मॉलेस्ट सेल्स होती हैं उसका रेंज होता है इतना से इतना के बीच में, समझ रहे हैं, इतना से इतना के बीच में उसकी क्या होती है, लंबाई होती है, उसकी क्या होती है, लेंथ होती है, ठीक है स्टूडेंट। इस तरह से हम लोग जो है लार्जेस्ट सेल्स के बारे में भी देखते हैं। लार्जेस्ट सेल्स जो है, समझ रहे हैं कि सेल्स की जो है मैक्सिमम लंबाई कितनी हो सकती है, सिंगल सेल्स की लंबाई कितनी हो सकती है, ठीक है। सो यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, एग ऑफ ऑस्ट्रिच, सो कितनी इसकी लेंथ है, 18 सेंटीमीटर, कितनी लेंथ है, 18 सेंटीमीटर, सो दिस इज द लार्जेस्ट सेल, ओके। फिर यहाँ पे स्टूडेंट्स एक जो है लिविंग का नाम लिखा हुआ है एसिटा बुलेरिया, क्या नाम है, एसिटा बुलेरिया। सो स्टूडेंट आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये क्या, किस तरह का लिविंग है, सो दिस इज एन एल्गा, ये क्या है, एक एल्गा है, मीन्स सवाल है, ठीक है। इस तरह से जो है ये आपका सिंगल सेल होता है और इसकी लंबाई कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट। इस तरह से हम लोग जो है कुछ सेल्स की जो है साइज को भी देख लिए। अब आते हैं हम लोग जो है अपने कंक्लूजन पे, ठीक है, और वो कंक्लूजन है स्टूडेंट की द स्मॉलेस्ट सेल्स, व्हाट आर द स्मॉलेस्ट सेल्स, स्मॉलेस्ट सेल्स जो है कौन कौन सी जो है स्मॉलेस्ट सेल्स हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम लोग जो है देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है माइकोप्लाज्मा मीन्स PPLO, माइकोप्लाज्मा मीन्स PPLO, प्लूरो, ठीक है, निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सो दिस आर द स्मॉलेस्ट सेल्स, ये क्या है, दुनिया में जो है सबसे छोटी सेल्स है। बैक्टीरिया भी आपकी जो है सबसे छोटी सेल्स है, ये बैक्टीरिया की कैटेगरीज हैं, बैक्टीरिया के साथ किंगडम मोनेरा में है, ठीक है।
सो स्टूडेंट्स, हम लोग लॉन्गेस्ट सेल्स, जिसको हमने लिखा नहीं है बट ऐसे ही बता देता हूँ कि लॉन्गेस्ट सेल्स कौन सी हैं। सो नर्व सेल्स, जैसे हम लोगों की बॉडी में जो नर्व सेल्स होती हैं, न्यूरॉन्स जिसको बोलते हैं, ये बहुत ही लंबी लंबी होती हैं स्टूडेंट। ये आपकी जो है 1 मीटर जो है लॉन्ग होती हैं नियर अबाउट, ठीक है। सो अब हम लोग देखते हैं लार्जेस्ट सेल्स, व्हाट द लार्जेस्ट सेल्स। सो स्टूडेंट्स, आप बता सकते हो, इजीली एग्जांपल दे सकते हो, लर्न भी आपको ऑस्ट्रिच एग, समझ रहे हैं। जो ऑस्ट्रिच एग है, जो शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है, वो सिंगल सेल होता है, एक ही सेल का बना होता है, काफी बड़ा होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, द लार्जेस्ट सेल। ओके स्टूडेंट, सो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग जो है अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, और देन हम लोग जो है प्लांट सेल, एनिमल सेल के स्ट्रक्चर्स के बारे में समझेंगे, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच।